वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आ गई हूँ अपने लाइक दूसरे वाले घर में यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला सेटअप है उसमें इतने अच्छे से मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैं दूसरे वाले घर में आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ, ये मेरी स्टडी टेबल है ये, और ये इसके साथ चेयर एंड ऑल है, और यहाँ पर ही मैं रिकॉर्ड करूँगी अब से। सो मैं रुक जाओ अभी दिखाती हूँ स्टडी टेबल, सामान तो सारा वही है, रुको लैम्प जला लेती हूँ मैं। और अब मैं जल्दी से पढ़ने बैठ रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो गया है ऑलरेडी। मैंने इतना मतलब यहाँ पे आके सफाई वगैरह करी उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया, बट अब पढ़ने बैठ रही हूँ मैं। थोड़े से भी चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लैपटॉप को सेट करके, मेरे को पता नहीं था कि पहले कैसे होगा, तो भी थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। और मैं ना यहाँ पे एक ट्यूबलाइट भी लगवाऊंगी जिससे ज़्यादा लाइट आएगी, तो अभी तो मतलब यही है। सो गाइज़, सबसे पहले तो मैं सरफेस केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर कर रही हूँ। और हाँ गाइज़, मैंने थोड़ा दूसरे वाले घर में आ गई हूँ मैं और यहीं पे रहूँगी अब मैं। और यहाँ पे एक तो शांति भी है, प्लस यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेटर वीडियोस बना सकती हूँ, तुम लोग देख भी सकते हो कितना सही सेटअप लग रहा है मेरा। सो हाँ, तैयार हो यही वाला सेटअप देखने के लिए। सो मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो गया है और ये मेरे नोट्स बन गए हैं, और अब ये करने के बाद मुझे बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर की, और वो करते हैं हम। सो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है और मुझे इसकी इसके मैंने लेक्चर्स कर लिए थे, अब बस मुझे इसकी एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते के साथ ही मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। मतलब मैं ना जनरली ऐसे ही करने लगी हूँ, जो भी मैं चैप्टर पढ़ती हूँ उसकी एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ा और देन उसका क्वेश्चन कर लिया। ये पॉसिबल होता है एनसीईआरटी अभ्यास बैच की वजह से, जिसमें पेज वाइज क्वेश्चंस हैं। इस बैच में सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उस पर क्लिक करो, वहाँ पे फिर पेजेस आ जाएंगे उस चैप्टर के, जिस भी पेज के जो भी पेज रिवाइज करा है उस पर क्लिक करके उस पेज पे से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो कितने परसेंट लोगों ने सही करा और कितने परसेंट लोगों ने गलत, और हर क्वेश्चन का डिटेल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस में वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होता है। इस बैच में आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर की पीवाईक्यूज मार्क्ड वाली पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं तो उस पीडीएफ को खोल के अपनी एनसीईआरटी में भी मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि यार पीवाईक्यूज पे बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होता है नीट में। और ये सिर्फ बायो में नहीं है, ये सेम चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हिंट भी मिल जाते हैं। एंड गाइज, दिस बैच इज सुपर 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 अफोर्डेबल, जस्ट फॉर 2500 रुपीज़। और अगर तब भी पसंद नहीं आता है तो 3 दिन में विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड आपको फुल रिफंड भी मिल जाएगा। सो गाइज, किस बात का वेट कर रहे हो, गो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन द एनसीईआरटी अभ्यास बैच, यू वॉन्ट रिग्रेट इट जरा भी। एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन कॉमेंट, सो गो चेक इट आउट। कि एनसीईआरटी एकदम डन हो गई है, मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरे को फिजिक्स के लेक्चर्स करने हैं तो अब मैं वो करूँगी, बट उससे पहले मैं खाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। सो या पहले कुछ खा के और फिर फिजिक्स के लेक्चर्स करूँगी। मैं लंच कर लेती हूँ, और ये लंच ऑब्वियसली मुझे मम्मी ने पैक करके दिया है, क्योंकि मुझे अपना खाना बनाना नहीं आता है, ऑब्वियसली मुझे नहीं आता होगा गाइस, मैं सिर्फ 12th क्लास में हूँ अभी, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में आ गई हूँ खाना खाने के लिए, मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो इसमें पकौड़े हैं, और ये जन्माष्टमी पे कुछ मिठाई बनी थी मेरे घर पे वो है, और ये इसके साथ सॉस है, तो मैं खा लेती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई, मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। इसमें बस मेरे नाम की पिलो है और मेरा नाम तरंग है, बहुत सारे लोगों को नहीं बताया क्योंकि मेरा थोड़ा सा वियर्ड नाम है इसलिए मैंने बताया नहीं था, बट हाँ मेरा नाम तरंग है, TARANG। और ये सारे मेरे टेडी बियर्स को मैं अपने साथ लेके आई थी फॉर इमोशनल सपोर्ट।
तो ये मैं फिज़िक्स के लेक्चर बस करने बैठ रही हूँ और मुझे ये वाले दो लास्ट के दो लेक्चर्स करने हैं और ये मैं खोल लेती हूँ। ये वैसे बाय द वे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के लेक्चर्स कर रही हूँ। मेरा ये वाला चैप्टर जो है ये पूरा हो गया है ख़त्म। इसके मैंने चारों लेक्चर्स कर लिए हैं और मेरे सारे नोट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब बस मेरे को इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने पेज फाड़ दिया, व्हाटएवर। सो मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया है। और वैसे बाहर भी काफ़ी सही मौसम हो रहा है आज। यहाँ पे लाइक बारिश वारिश हो रही थी कल से और काफ़ी सही मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी हवा आ रही है यहाँ बालकनी से। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर्स करने हैं और करूँगी मैं। बाय द वे यहाँ पे एक ड्रॉअर भी है, इसमें मैंने अभी तक कुछ रखा नहीं है बट मैं रख लूँगी। चैप्टर है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके टोटल 13 लेक्चर्स हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत गंदा चैप्टर है और इसके लेक्चर्स में करी यकीन 2.0 से लास्ट ईयर का यकीन है और इसमें तरुण सर ने पढ़ाया तो उनसे करके दो लेक्चर्स हैं आज के मेरे टारगेट्स में, तो वो करके मैं दिखाती हूँ। दोनों लेक्चर्स हो गए हैं और ये मेरे नोट्स भी बन चुके हैं और मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये सब हो गया है मेरा, ये हो गए हैं दोनों लेक्चर्स और चैप्टर अभी तो ठीक लग रहा है बट आगे देखते हैं कितना गंदा लगता है, क्या होता है। ठीक है, सो अब मुझे मोल वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज़ करना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो मैं देखती हूँ, वीडियो लंबी होगी तो मैं उसकी क्लिप्स नहीं ऐड करूँगी और नहीं होगी तो कर दूँगी। गाइज मेरी ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई हो गई है, सारे टारगेट्स खत्म हो गए हैं, बस जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट था उसके मेरे थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं और लाइक आधे हो गए हैं, आधे बच्चे हैं, तो अब मैं उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगी। और हाँ, बस वीडियो को इतना ही रखते हैं और ये वीडियो थोड़ी इधर उधर हो गई होगी, मतलब यू नो मैंने पहली बारी आके इधर रिकॉर्ड कराया तो मुझे इतना पता नहीं है और मतलब मैं अभी और एंगल्स तरह तरीके के ट्राई करूँगी एंड स्टफ़। सो बताना कैसी लगी वीडियो एंड बाय बाय।